अच्छा आगू तो पर्वपर्वाणी अच्छी फेस्टिवल अच्छी आज मुझे आप स्किन व्हाइटनिंग इंस्टेंट आपंक स्किन ने ग्लो भरीदे आपंक स्किन को आहरी गोरा आहरी सुंदर बनवाई गोटे फेसियाल आप सेयार करती जदि किसी पार्टी फंक्शन अच्छी जदि पर्वपर्वाणी अच्छी आप यूज करेंगे। अच्छा आप तो पार्लर जाए बहुत थोड़ा फेसियाल करेंगे कि आप थोड़े ये फेसियाल को घरे कर देखा देखूँ यार रिजल्ट देखिए आप भी आश्चर्य होते जो पार्लर जाए आप हजार हजार टाइम खर्च करते आपको बहुत ही अधिक ग्लो आपंक स्किन ने दब बहुत भल ट्रीटमेंट दब पार्लर तो आप जो फेसियाल करते तो केमिकल रही जहाँ फल स्किन धीरे धीरे खराब हो किंतु घर उपाय नेचुरल उपाय जो फेसियाल करेंगे ना आपन का स्किन को ट्रीटमेंट कर तो चलते स्टार्ट करवा आज फेसियाल। तो आज फेसियाल प्रथम देखते आमको दरकार पड़ा दुई चमच कंचा क्षीर सहित ने हल्दी गुंड सब जिन भल से गोड़े ने गोटे कटन पैड ये देखते ने जब कटन पैड ना तुला नहीं पारे हाथ में भी यूज करेंगे कि कटन पैड बहुत सहज होता है आराम से आपको अनलाइन मिल जाए बहुत अल्प टाँग रखिक यूज करूँ यहपर बुड़ेगी फेस देखते भल से यहपर घसिक सफा करदे फेस को आप जाने आश्चर्य हे जो क्षीर आम यूज करते रही लैक्टिक एसिड जहाँकि स्किन को गोरा करता है ता छड़ा क्षीर एक नेचुरल क्लींजर अटे मैंने आप दामी दामी फेसवाश यूज करते शहे गुणा भल होता है क्षीर पूरा भितर को जाए स्किन को डीपली क्लीन करते आते बढ़िया कम कर जब भी तुला अच्छे तुला करेंगे जदि ना हाथ में नहीं कि सल्यूशन टाइम क्षीरटा को भल से फेस मसाज करदे गोटे मिनट पर छाड़ देते दुई तीन मिनट पर फेस को धोई ने देखिए संगे संगे आप स्किन के क्लीन क्लीयर और ब्राइट एंड देखा देखते कैसे अपरिष्कार बाहर जाइए आउ सेकेंड स्टेप चलते आम स्टार्ट करवा सेकेंड स्टेप आम बनवा स्क्रब करवा आम फेस रु डेड स्किन को रिमूव करवा से गोटे चमच ये नहीं ओट्स प्राय समस्त पाखे ओट्स थी जो मैंने पाखे ओट्स ना तो किसी कथा नहीं स्किप करेंगे गोटे चमच ने बेसन ठीक है कॉफी पाउडर तो समस्त मिल जाव आ सहित ने अल्प टी महु महु आम स्किन बहुत भल सहित बिलातीर रस आप बिलाती को ग्रेड करेंगे ग्राइंडिंग करेंगे रसटा को भी आप यूज करेंगे सब जिनस को भल से मिस करदे ए सब जिनस रही स्किन को लाइट एंड ब्राइट एंड कर प्रॉपर्टीज ता सहित डेड स्किन को रिमूव करिबो आपनक स्किन ने थिबा मृत कोशिका को क्लीन करिबो जहा द्वारा आम स्किन बहुत ही सुंदर हेबो रिपेयर हेबो। तो देखंतु एबर ने प्रथम त हम क्लीन कर दवा फेस को क्लीन कर सारचंदी तापर एपर धीरे धीरे नै कि फेस लगे देबे प्रथमे तापर धीरे धीरे गोल गोल करके धीरे हाथ रे मोटे प्रेस करबेनी माड़ीबेनी धीरे धीरे करके गुटे मिनिट पई आपनक स्किन ने ओ बेकर भलो से मसाज कर देबे एहा द्वारा आपनक स्किन रो मृत कोशिका बाहर जिवो 15 दिन ने थरे थरे एही स्क्रब बने के आपन जदि यूज करबे आपनक स्किन पई बहुत ही भलो कारण स्क्रब बहुत ही जरूरी जहाँ फल मृत कोशिका जहाँ अपरिष्कार जहाँ थी पूरा आम क्लीन करवा नहीं तो धीरे धीरे भितर को पूरा पलैब जहाँ फल पिगमेंटेसन दाग धबा हे आपको सीने देखा आप खाली फेसवाश कर दौरान भावुंत क्लीन होगा फेस कितु ता भितर रही जाए आपड़ जब यहपर स्क्रब करेंगे भितर पूरा क्लीन होगा फल स्किन बहुत सुंदर रहा छड़ा जो ऊपर मृत कोशिका दूर होतर आपंक जो स्किन बहुत ही सुंदर स्किन आपंकर पदा को आसो तो गोटे मिनिट पर मसाज करके फेस को धोने एवं चलत गोटे फेस मसाज क्रीम बनवा से गोटे चमच ने अटा गहम गुंड जहाँ आम रुटी करता गोटे चमच अटा ता सहित गोटे बा दुई चमच जी दरकार पड़े देखे ने दही और एम यूज करवा अल्प टिके महु जदि आप दही ना गहम गुंड समस्त पाखे तो अटा थी जदि आप दही ना बोली आप भावुंत तो आप दही बदल में ये गोलाप जल यूज करेंगे महु ने जदि भी महु ना तो आप नड़िया तेल वी आलमंड अएल अच्छी अल्प टिके भी यूज करेंगे जदि ये धंदा करा चाहूना बास एलोवेरा जेल जदि अच्छी तो एलोवेरा जेल टी नहीं से नड़िया तेल मिसे देते देखिए फेस रे मसाज करेंगे तो ये जो मसाजा बनब ये बढ़िया कम कर आम ये गहम गुंड यूज करते जो थी कि अल्फा आर्बुटिन रही जहाँकि स्किन को लाइट एंड ब्राइट एंड बनई थाए ता सहित दही में रही लैक्टिक एसिड दही आम रही फैट जहाँ कि आपंक स्किन को सॉफ्ट स्मूथ ग्लोइंग बनइब दाग दबा जदि थी आपंक स्किन में जहाँ भी किसी अपरिष्कार थी जहाँ भी किसी रिपेयर दरकार पड़ो आपंक स्किन ट्रीटमेंट दरकार पड़ो सबको ट्रीटमेंट कर कारण ये फेसियल देखते ना जे केवल आपंक स्किन को ह्वैट एंड ब्राइट एंड बनइब ता सहित आपंक स्किन सब प्रकार जहाँ भी किसी असुविधा अच्छी रिपेयर कर सब बढ़िया कम कर तो देखते यहीपर आप दुई तीन मिनट में मसाज करेंगे तल ऊपर को करके मसाज करेंगे केवल ऊपर तल को मसाज करेंगे मसाज करने द्वारा आम स्किन बहुत रिलैक्स फिल होता है तो देखते भल से पूरा मसाज करदे मसाज दुई तीन मिनट मसाज करके फेस को धोई ने देखते संगे संगे फेस ग्लो देखते कितने सुंदर देखाला आहरी लास्ट स्टेप बाकी अच्छे स्किन ह्वैटनिंग गोटे चमच ना चाउल गुंड अरुआ चाउल गुंड जहाँ को आम चूना ना जानते दुई तीन चमच दही से नहींजे टी हलदी गुंड ना अल्प टिके लेंबू रस जो मानक लेंबू रस सुट करनी आप स्किप कर जो मन पाखे अरुआ चाउल गुंड ना चूना ना तो आप चाउल को भिजे ग्राइंडिंग करेंगे जब इनस्टाट खोजुच्च आप समस्त भात रांधे अरुआ चाउल हो उष्णा चाउल हो ग्राइंडिंग करेंगे तो सब जिनस को भले से गोल ने जब भी आप दही ना तो दही बदल आप क्षीर भी यूज करेंगे कि बहुत बढ़िया होता है दही जदि भी दही ना तो आप बदल गोलाप जल आलू रस भी यूज करेंगे सब जिनस को भले से गोल ने
କରିବେ। ଗୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଫେସ୍କୁ ଭଲସେ ଆମର କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ପୁରା ଫେସ୍ରେ ଭଲସେ ପୁରା ଲଗାଇ ଦେବେ। ଲଗାଇ ସାରିକି ଆପଣ ଏହାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିବେ, ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ବି କାଫି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକ୍ଟା ବନେଇଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଏତେ 2-3 ଷ୍ଟେପ୍ କଲେ, ତାପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ କରିଦେବ। ତ ଏହାକୁ ଲଗେଇକି ପୁରା ଖୁସିରେ ବିନ୍ଦାସ 10-15 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସରେ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଫୀତ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ ଖୁସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଫେସ୍କୁ ଧୋଇନେବେ। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଏପରି ଅମେଜିଂ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ବି ଆପଣ ଫେସିଆଲ୍ କରିବେ ସେଦିନ ଯେତିକି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା ପରଦିନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଗ୍ଲୋ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫେସିଆଲ୍ କରିସାରିବେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁହଁକୁ ଧୋଇବେ, ଆଉ ତାପରେ ଫେସ୍ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, କି ସେଦିନ ମାନେ ଆପଣ ଆଉ ସାବୁନ ଫାବୁନ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, କି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଆଉ ଖରାକୁ ଯିବେନି, 2-3 ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଖରାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଏତେ ଗ୍ଲୋ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଫେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ମୋର କିପରି ଡଲ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗ୍ଲୋ ଆଯାଇଛି ଫେସ୍ରେ, ପୁରା ଚିକଣ ଲାଗିବ, ସ୍କିନ୍ରେ ଥିବା ସବୁ ମୃତ କୋଷିକା, ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍, ବ୍ଲାକେଟ୍ସ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଡ୍ସ ପୁରା ପୁରି ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପୁରା ଚିକଣ, ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରିବ, ପୁରା ଗ୍ଲୋଇଂ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏହିପରି ଥରେ ଫେସିଆଲ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାର୍କେଟ୍ର ଫେସିଆଲ୍ ଭୁଲି ଘରେ ଫେସିଆଲ୍ ବନେଇବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଚାଲିବ। ତ ଆପଣ ଏହାକୁ 15 ଦିନରେ ବା ଗୋଟେ ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ବି କରିବେ, ତଥାପି ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ସୁନ୍ଦର।